मेरा जो पति था ना, हाँ, उसका हाथीपुर बहुत ही छोटा था। अरे दैया, ऐसा भी होता है क्या? नहीं। तो पर कैसे? अरे बचपन में उसको चूहे नहीं मिले होंगे ना, तो सांप छोटा का छोटा ही रह गया। तो तुमने उसे छोड़ दिया? तो क्या हम उसके सांप के आगे बीन बजाते कि वो कब उठे और हमको डसे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे एक बात बता, ये हाथीपुर छोटा या बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? तुझे ना हर चीज समझानी पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देख, ये स्मार्टफोन है और ई रहा इसका छेद। अब इस फोन को चार्ज करने के लिए चाहिए स्मार्ट चार्जर, ना कि ये फुद्दू वाला 10 साल पुराना वाला चार्जर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ। अब तू ही बता, ये चार्जर से ये फोन चार्ज हो सकता है का? बिल्कुल नहीं। प्यारी समझ गई। वही तो, अब समझी? अब समझी। अब देख, चरम सुख की सीमा तक पहुंचना है ना, तो वो चार्जर चाहिए। गांड फटे तो फटे, नबाबी न घटे। मतलब हाथीपुर जो चरम सुख की सीमा तक लेकर जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।